life would not be the same again, you know. This is the moment that you have. Isi moment mein aapko jitna kuch batorna hai aap bator sakte. अभी जिस पे लाइट पड़ेगी वही दिखेगा. आवाज का डाल उनकी गाड़ी देखने आए थे. बहुत सुंदर ध्रुव एंड वैशाली, आपका फलहार नोमाड्स चैनल पे स्वागत है. थैंक यू. अच्छा, जहाँ तक फाल्गुनी और मैं समझते हैं, आप लोग सबसे यंग कपल है इस इंडिया ऑल इन ग्रुप में. तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार लोगों से मिल रहा हूँ. मतलब ऐसा लग रहा है कि ये हमारी कम्युनिटी बहुत पुरानी है. सब एक दूसरे को जानते हैं, अलग अलग कल्चर हैं और सारे लोग इतने हेल्पफुल हैं. मतलब मैं एक भी इंसान का नाम नहीं पॉइंट कर सकता जिसको मुझे लगे कि आई डिड नॉट मीट द राइट पर्सन. सो फॉर मी इट्स मोर अबाउट पीपल एंड आई मेट सम वेरी फिनोमिनल पीपल ड्यूरिंग दिस ट्रिप. मुझे काफ़ी अच्छा लगा लोगों से मिल के. और यंग तो आई थिंक हमारे जैसे और भी कपल्स हैं जो कर रहे हैं. इंडिया में ओवरलैंडिंग का कल्चर एग्जिस्ट करता है, बट हर कपल या हर इंडिविजुअल ये सोचता है. जैसे मुझे ये लगता था कि शायद मैं ही हूँ जो मैक्रो लेवल पे कर रहा है. माइक्रो लेवल पे सब कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता था कि ये जो मैं इतना सब कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, इसको मटेरियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों को ज्वाइन करने में टाइम लगेगा. इनफैक्ट मैंने प्लान किया था कि 2022 में मैं एक अपना पहला इस तरीके का मीटअप ऑर्गेनाइज करूँगा, बट लुक वे वी आर. 22 आने से पहले ही हम लोगों ने अपना पहला मीटअप कर लिया है. सो फील्स गुड. फील्स दिस इज़ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ सो फार. दैट्स ग्रेट. ये ध्रुव नॉर्थ क्यों रखा है? नॉर्थ इज़ द नेम ऑफ दिस कैंपर वैन. इसका नाम नॉर्थ है और ये मेरे हार्ट के इतना क्लोज है दैट मैंने अपना सरनेम रिमूव करके इसका नाम अपने साथ जोड़ दिया है. बिकॉज दिस एंटायर जर्नी इज अबाउट मी एंड द वैन एंड अस ऑफ कोर्स. वेल, जब ये वैन मेरे पास आई थी तो ये बहुत ही बुरी हालत में थी. इसमें सब कुछ बिखर रहा था और मेटाफोरिकली स्पीकिंग दैट वॉज माई लाइफ एज वेल. एवरीथिंग वॉज फॉलिंग अपार्ट. सो जब मैंने इस वैन को बिल्ड करना स्टार्ट किया, इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इट मैंने अपने आप को भी बिल्ड करना स्टार्ट किया. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव दिस वैन हैज़ गिवन मी टू मच, यू नो. इसने मुझे पेशेंस का वर्च्यू सिखाया. इसने मुझे सिखाया कि लाइफ में कभी भी कुछ भी परफेक्ट होगा नहीं. हर दिन आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है. सो वैशाली जी, आपका छोटा बच्चा है जिसने उसका नाम बोला वीर. तो आप वीर के साथ इतना छोटे बच्चे के साथ कैसे मैनेज करते हैं ट्रैवलिंग? इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. पहले हमने जब मैंने स्टार्ट किया था ट्विटर तो स्टार्टिंग से ट्रैवल करते ही थे, बट मेरा अभी ऑफ लेटली है एंड मुझे लगता था बहुत डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. बिकॉज इंडिया में मुझे लगता था कि इट इज़ नॉट टू सिक्योर एंड ये इतना ट्रेडिशन नहीं है जाके आप अपना वैन लेके चले जाओ एंड यू कैन स्टे विद योर फैमिली. अगर आप अकेले हो देन स्टिल यू कैन मैनेज, बट विद अ किड एंड योर वाइफ और एवरीवन इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट. सो दिस इज़ अ फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसी कोई डिफिकल्टी आई नहीं है जो मैं बोलूँ कि नहीं इट वॉज अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस या हमें ऐसा कुछ मतलब मैनेज करना पड़ा. इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को एक बार ये ज़रूर एक्सपीरियंस कराएं उनके लाइफ टाइम में. आपने अभी कहा कि आपको ऐसा लग रहा था कि इंडिया में इस तरह का डर ये वो, तो क्या हम ये समझे कि आपका जन्म कहीं बाहर हुआ है? नहीं, मेरा जन्म बिल्कुल दिल्ली में हुआ है, भारत की कैपिटल में, एंड मैं वहीं पे बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ. बट ये वैन लाइफ इज समथिंग डिफरेंट फॉर इंडिया, ये मुझे लगता था अभी तक जब तक मैंने ये ओवरलैंडिंग एक्सपीरियंस नहीं किया था. एंड सेम इज़ द केस विद माई फैमिली. उनको भी जब हम ये स्टार्ट करने वाले थे वैन लाइफ की, ध्रुव ने जब वैन खरीदी थी तब मेरी फैमिली को भी था कि ये वैन में कोई कैसे रह सकता है, वैन में ट्रैवल कैसे कर सकते हो जब होटल्स हैं एंड अदर फैसिलिटीज़ आर देयर, यू हैव मनी, तो वाई कॉन्ट यू जस्ट गो एंड अगर आपको घूमना ही है आप ट्रैवल करो बट स्टे इन अ होटल जहाँ पे आप सिक्योर रहोगे. क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, ना ही हमने अभी तक करा था.
बट आफ्टर दिस एक्सपीरियंस आई एम प्रीटी मच श्योर कि इट इज़ वेरी मच सिक्योर एंड सेफ एंड इट इज टोटली पॉसिबल टू ट्रैवल इन अ वैन ऑल ओवर द इंडिया. That's very good. That's a good sandesh for people, young people, especially the young people. Ki niklo bar, ghumo apne bachcho ke saath aur khoob enjoy karo. ये मत सोचे कि छोटा बच्चा है तो हमें घर पे नहीं कहीं पे जा नहीं सकते. Exactly. नहीं, मैं आपको एक फाउंडेशन नहीं है. एक एग्जांपल देता हूँ. सो हमारे साथ डॉक्टर अमित थे. सो जब डॉक्टर अमित से मैं पहली बार मिला, उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग जो जो टॉयज वो पैक कर सकते थे कर लिए, सो दैट उनके बच्चे एंगेज रहे. बट जब उनके बच्चे यहाँ पहुँचे और बच्चों से मिले, उन्होंने एक भी टॉय नहीं खोला. तो ये हमारा मिथ है कि कुछ एंगेज रखने के लिए बच्चों को हमें कुछ चाहिए. बच्चे मैंने भी उसका आईपैड रखा था जस्ट टू ये सोचते हुए कि पता नहीं वो बोर ना हो जाए. हम तो फिर भी एंगेज हो जाएंगे बट वो तो बोर ही रहेगा. बट उसने मांगा भी नहीं एंड वो पूरा टाइम मिट्टी में पानी में हर जगह नेचर के साथ ही वाज प्लेइंग. तो आई थिंक इट इज इजी. ये सिर्फ हमारा मेंटल ब्लॉक है कि बच्चों को ट्रैवल में मुश्किल होता है. वीर इज अ गुड एक्चुअली लिमिटेशन इज ऑफ पेरेंट्स आई थिंक. यस, हमें नहीं पता कि हमें बच्चों से क्या करवाना है, क्या एक्टिविटी देनी है. ट्रू. तो इसलिए वो ये टॉयज एंड ये आईपैड ये सब है ना इजी होता है हमारे लिए कि उसको थमा दो और वो बिजी हो जाएगा और हमें अपना टाइम मिल जाएगा. Yeah. तो हमारे लिए टू आंसर दैट क्वेश्चन इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. इट वाज इजी. इनफैक्ट वीर ऑक्यूपाइड था और ये इतना ही जितना हमारा टाइम ये यहाँ मांग रहा था इतना ही टाइम ये घर पे भी मांगता है. तो इट्स वन एंड द सेम थिंग फॉर अस. प्लस हैविंग अ बिगर व्हीकल गिव्स स्पेस ऑफ मूवमेंट. तो मूवमेंट का स्पेस मिलता है बच्चे को तो वो अपने आप में ही लगा रहता है, अपना कुछ ना कुछ करता रहता है. आपका ड्रोन अपने आप लैंड हो गया ट्री के ऊपर. वीर कह रहे हैं पिक्चर क्लिक करा दो स्माइल. टच करो. आपसे होती है टच? नहीं होती. निकल जाती है? नहीं. कितनी है गिनो तो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 है. जब डाली बुका खेलेंगे ना फिर वापस भेज देना. आप जब जलेबी खा लेंगे उसके बाद आपको वापस हम भेज दे. हम आपको भेजेंगे नहीं, हम आपको छोड़ने आएंगे. आपको अकेला हम कैसा छोड़ सकते हैं? और क्या पसंद है जलेबी की? जलेबी के बाद पैनकेक्स. पैनकेक्स किसके साथ? चॉकलेट सिरप, न्यूटेला, पीनट बटर, न्यूटेला और बनाना और स्ट्रॉबेरी. मुझे भी बहुत पसंद है पैनकेक्स. आपकी मम्मी को बोलना मेरे लिए भी बनाए. ठीक है, बना देगी इनके लिए. उतार दो नीचे. तो क्या नहीं है? न्यूटेला. कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खा लेंगे. सो इस वैन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. ये आप ये सिग्निफाई करती है, ये वैन ना 33 इयर्स ओल्ड है. इसमें कभी भी कोई भी चीज़ बिगड़ सकती है. आपने देखा ट्रिप में कितनी बार कितने सारे गुफ़ब्स आए. और हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से होती है. हम प्लान कुछ करते हैं और बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इशू आ जाता है. तो लाइफ इज़ सुपर अनप्रडिक्टेबल एंड दिस वैन हेल्प्स मी स्टे ग्राउंडेड. मैं हमेशा अपने टोज पे रहता हूँ. मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैंने कुछ कर लिया है. अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट life would not be the same again. You know, this is the moment that you have. Isi moment mein aapko jitna kuch batorna hai aap bator sakte ho, right? It's I learned a quotation early in my life. Life is like a river. You have a bank of sorrow and bank of joy. The idea is not to get stuck. The idea is to keep moving forward. And this is exactly what van is all about. Kisi din ye chalti hai, kisi din ye nahi chalti hai. Jis din ye nahi chalti hai, main isko fix karta hu. Jis din ye chalti hai, hum log khush hoke ek jagah se dusri jagah chale jate hain. So this van is life, you know. And that's why aur dusra, you know, I was born with a surname. और होता क्या है, हम लोग एक रिलीजन, एक सरनेम, एक कास्ट, एक कल्चर के साथ पैदा होते हैं और हम उसको प्रोटेक्ट करने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं. और इनफैक्ट मेरा कंट्रीब्यूशन उस सरनेम की तरफ 0% है, उस कल्चर उस कम्युनिटी की तरफ 0% है. फिर भी आई एम सो प्राउड कि भाई मेरा ये सरनेम है. दिस इज़ व्हाट आई एम दिस कास्ट, आई एम दैट कास्ट. तो वो सब ना मुझे नहीं करना था. हम लोगों ने इसीलिए मैंने अपना सरनेम रिमूव किया. इनफैक्ट माई सन डज नॉट हैव अ सरनेम. हिज फर्स्ट नेम इज़ वीर एंड लास्ट नेम इज़ वीर.
I don't want him to have a surname or a religion for that matter. So we are trying to uplift ourselves from these social dogmas jahan pe aapko restrict kiya ja sake, right? If there's, you know, my best friends are Muslims, I love food from all across the country. There's so much to adore and there's so much to celebrate in this country. So apna ek last name nikalne ka matlab ye bhi tha, wo mujhe mila tha, wo mujhe diya gaya tha. ये जो नॉर्थ है ये मैंने लिया है, सो दिस इज मी चूजिंग माय ओन लाइफ. दैट्स व्हाट नॉर्थ मींस. दैट इज अ मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ नॉर्थ. दैट्स वेरी ग्रेट. इस जवाब में बहुत ही कुछ और बहुत ही अच्छा मैसेज है लोगों के लिए. तो प्लीज 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 इस वाले वीडियो को बार बार देखिए और ये मैसेज को आप अपने साथ रखिए और लोगों में बांटिए. ध्रुव, ये आपकी जो वैन है वो हमारी जितनी भी यहाँ पर ओवरलैंडिंग गाड़ी आई है उसमें यूनिक है. कलर से भी और जिस तरीके से आपने इसको बनाया है, तो अंदर और बाहर क्या फैसिलिटीज आपने दी है उसके बारे में जरा हमें और हमारे दर्शक को समझाइए प्लीज. सो मैंने इसका पीछे सीट्स हुआ करती थी इस वैन में, मैंने वो सारी की सारी सीट्स रिमूव कर दी है और नीचे फ्लोरिंग डाली है. फ्लोरिंग के बाद ये ओवरहेड कबर्ड्स हैं जो मैं जहाँ मैं सामान अपना स्टोर करता हूँ. इसके नीचे भी मेरे पास सारे कबर्ड्स हैं जहाँ मैं अपना सामान. हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये बिल्कुल एक घर जैसी फीलिंग दे. सी, ओवरलैंडिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, रोज़ आपको अपना सारा सामान अनपैक करना पड़ता है और फिर पैक करना पड़ता है, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. पहले दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन अच्छा लगता है, सातवें आठवें दिन आप काफ़ी ज़्यादा पिस ऑफ हो जाते हो, थक जाते हो इस फीलिंग से कि आपको सब कुछ खोलना है फिर बंद करना है. हम लोग चाहते थे कि जितना इजी हो सके उतना इजी हो. तो ये वाला जो हिस्सा है ये एक बेड बन जाता है, ये बॉटम वाला. हम लोग जनरली नीचे ही सोते हैं. अगर हमें कभी लगता है कि कोई हमारे साथ एक्स्ट्रा है या फिर हमें नीचे नहीं सोना सामान ज़्यादा है, तो हम लोग ऊपर का पॉप टॉप टेंट को पॉप कर देते हैं और हम लोग वहाँ सो सकते हैं. दूसरा, वैन के अंदर ना क्रैम्ड अप हम लोग ना रहें, झुक के ना रहें बिल्कुल, हम लोगों की अपराइट पोजीशन हो. उसके लिए दिस पार्ट, दिस रूफ टॉप ऑल्सो गोज अप. सो जब ये ऊपर जाता है तो मेरे पास एक स्टैंडिंग स्पेस हो जाती है. ये अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट तक ऊपर खुल जाता है ग्राउंड से, तो हम लोग खड़े होकर कुकिंग कर सकते हैं. ये मेरा डबल बर्नर गैस है, ये प्रोपेन पे चल रहा है. और हम लोगों ने LPG सोचा था, बट प्रोपेन, बिकॉज प्रोपेन इज सेफर एंड इट इज़ लीगल. ये सिंक है जहाँ से हम लोग अपने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करते हैं. बैक में मेरे पास ये एक शावर होज है जहाँ से हम लोग हाथ धुलने के लिए या शावर लेने के लिए यूज़ करते हैं. ये फ्रेश वाटर टैंक है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर्स वाटर आ जाती है. एक हमारे पास ग्रे वाटर टैंक है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 60 लीटर्स नीचे नीचे स्टोर हो जाता है और हम उसको डेली एम्प्टी कर देते हैं. यहाँ पे एक क्रोमा का 96 लीटर्स फ्रिज है जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज सर्दियाँ हैं. एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं डोमेटिक या किसी और ब्रांड में स्विच करूँगा जो कम पावर कंज्यूम करता है. इधर नीचे पैंट्री एरिया है मेरे पास. ओवरऑल वी हैव AC करंट रनिंग इन द व्हीकल. हमारे पास एक सोलर पैनल है 350 वॉट का ऊपर, और उसके साथ मेरी दो बैटरीज 100 एम्प्स की कनेक्टेड हैं, प्लस एक सोलर UPS है. सो विद ऑल ऑफ दिस हम लोगों को एक दो दिन का बैकअप मिल जाता है पावर का, और अभी तक हमें कोई चैलेंज आया नहीं. प्लस अगर कहीं पर ग्रिड अवेलेबल होती है तो हम ग्रिड से भी करंट ले लेते हैं. सो दैट्स क्विक टूर ऑफ द वैन. एक सनरूफ हम लोगों ने आगे डाली है बिकॉज मेरे को ड्रोन उड़ाना होता है. सो टू फ्लाई द ड्रोन एंड गेट इट बैक, आपको गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो दैट वॉज द प्राइमरी पर्पज. एंड ऑफकोर्स आप सर्दियों में आपको वार्म रखता है. सो दैट्स अ क्विक वैन टूर. मैकेनिकली मैंने इसमें सारे पार्ट्स, इट्स अ 33 years old वैन, तो मैकेनिकली मैंने इसमें सब कुछ चेंज किया है. वो बोनेट भी हैंडमेड है, डैशबोर्ड भी हैंडमेड है, सीट्स मैंने इसमें वर्ना की फिट करी है, और दरवाजे मैंने इसमें मारुति इको के फिट किए हैं. सो जो भी पार्ट चेंज हो सकता था मैंने नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनको अपग्रेड कर दिया ताकि पार्ट रिप्लेसमेंट में हमें प्रॉब्लम ना आए. और इसमें एक एयर कंडीशनिंग भी है जो सरप्राइजिंग है काफ़ी लोगों के लिए. सो इसमें एक एयर कंडीशनिंग भी हम लोगों ने फिट करी है. सो सामने फ्रंट. सो अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स बाकी हैं. अच्छा, बाय द वे इसमें एक मोटरसाइकिल भी आ जाती है. सो वो वहाँ पे रैंप के लिए लैडर लग जाती है, वो रैंप अटक जाता है और यहाँ पे आके मोटरसाइकिल का व्हील, अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अपनी बाइक को भी अपने साथ लेके जा सकता हूँ इनसाइड द व्हीकल. आई डोंट हैव टू हैंग इट आउटसाइड. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना इम्प्रूव कर सकें. नेक्स्ट टाइम आप मिलेंगे, हो सकता है चीज़ें और बेटर हो. एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड.
थैंक यू सो मच वंस अगेन। बनाने की कोशिश कोशिश क्यों बनेगा ही, कुछ ना कुछ तो बन के आ ही जाएगा। घर पे भी बनाते हैं ध्रुव की खाली दिखावे के लिए ध्रुव ही बनाते हैं। अरे क्या बात है, आप ओकेजनली बना लेती हैं? हम यहाँ हैं, हम यहीं बनाती हैं। डिनर यूजुअली मैं बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट रोज बनाते हैं। सही है ना, एक बात तो पता है। लंच हम करते नहीं हैं। लंच नहीं करते तो हम खाना बहुत कम खाते हैं, दो बार खाते हैं। अच्छा, जहाँ तक हमें मालूम है आपकी खुद की YouTube चैनल है जी, तो उसके बारे में कुछ मतलब दर्शकों को बताएंगे? हाँ जी, मेरे YouTube चैनल का नाम है फर्स्ट इंडियन कैंपर, फर्स्ट इंडियन कैंपर। और इस YouTube चैनल में मैं प्राइमरीली वैन लाइफ को ही कैप्चर कर रहा हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू बिल्ड अ वैन टू चूजिंग द व्हीकल, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू सोलर एंड ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वैन लाइफ। अभी तक तो मैंने केवल कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया था, अब मैं लोगों के पे फोकस कर रहा हूँ कि हु आर दोज पीपल जो ये ओवरलैंडिंग कर रहे हैं। सो दिस वन कॉन्सेप्ट दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट इन अदर कंट्रीज लाइक इन द वेस्ट, वैन लाइफ बहुत ही प्रोमिनेंट है उन लोगों में हु डू नॉट हैव गुड स्टैंडिंग। व्हेन आई से गुड स्टैंडिंग, दे डू नॉट हैव गुड फाइनेंशियल्स। सो समबडी हु कांट अफोर्ड रेंट्स एवरी मंथ जनरली स्विच टू अ मोटर होम, जहाँ पे खर्चे बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होते हैं। इंडिया में इट इज़ अदर वे अराउंड। इंडिया में जितने भी लोगों से हम मिले, ऑल ऑफ देम हैव डन समथिंग इन लाइफ, दे आर अकम्पलिश्ड, दे हैव लॉट ऑफ मनी इन देयर बैंक अकाउंट्स, और उसके बाद वो जाके अपना वैन लाइफ जी रहे। बट अभी तो ये जो कम्युनिटी बनी है, ये जो पायनियर कम्युनिटी है, दिस इज़ comprising of people who are accomplished. However, that's not the case. आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि anyone looking for affordable living, full of experiences, will be able to switch to van life. और ideally ये successful भी तभी होगा जब masses इस movement को join करेंगे. And I am very happy that I was able to witness the first overlanding trip in India. Now, we have people from all across the country here, all across the India, and you know they have different cultures. So बहुत कुछ सीखने को मिला। It was more like a food fest. हर दिन अलग अलग खाना। So हम लोगों ने गलौटी कबाब भी खाए हैं, हमने पोर्क सॉसेजेस भी खाए हैं, हमने दाल बाटी चूरमा भी खाया है, बिरयानी भी खाई है, और साथ में वो क्या उंधियो, उंधियो गुजरात की डिश, उंधियो खाई है, बाजरा रोटी, मतलब हर दिन एक अलग फेस्टिवल होता था, और सब लोग साथ में कुक करते थे, सब लोग, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग अलग अलग जगह से आए हैं। एवरीबडी, वो पहले दिन हम लोगों ने खाना बनाया था, उसके बाद तो हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया है, क्योंकि हम लोग कभी कहीं खाना खा लेते थे। और इट वॉज़ ऑल ब्यूटिफुल। और मुझे लगता है इस बार हम अंडर प्रिपेयर थे, हम लोग मैगीज़ बहुत सारी लेके आए थे, हम लोग सामान कम लेके आए थे, बट नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन, आई विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ एक्सोटिक फूड, यू नो। तो क्या ये समझे कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो खूब सारे डिशेस सीखकर आएंगे? बिल्कुल। नहीं, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीखे हुए तो हम हैं पहले से। हम बनाएंगे अगली बार, इस बार हम प्रिपेयर नहीं थे, हमने इस बार खाया है। बहुत बढ़िया। सो ध्रुव और वैशाली, फाल्गुनी, हरीश और फरला नोमाड्स को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम है। और शायद मैं ये भी कहूँ कि हम आज आपसे कुछ सीख कर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को मिलके, और दोबारा मिलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट ओवरलैंडिंग ट्रिप में। यार आप जब गुजरात आए, बिल्कुल यार, हम लोग गांव आए, सो विल बी योर होस्ट। सो धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते रहेंगे, और आपका आगे का सफर शुभ रहे। आपका ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ, और खास करके वीर के साथ, और वीर को हम दोनों की तरफ से खूब प्यार देना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।